उत्तर प्रदेश में बीजेपी और आरएलडी के बीच समझौता लगभग तय माना जा रहा है। इसका जवाब तब मिल गया जब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के ऐलान के बाद जयंत चौधरी से सवाल पूछा गया कि क्या वो एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, जिसके जवाब में जयंत चौधरी ने अपनी मंशा पर खुद ही मोहर लगा दी। भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता इससे इनकार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आरएलडी के गठबंधन से अलग होने को लेकर उनकी कोई बात नहीं हुई है। जो बातें हो रही है वो सब अखबारों में छप रही हैं, तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। हालांकि सियासी गलियारों में ऐसी गूंज है कि आरएलडी के एनडीए के साथ जाने की अब बस आधिकारिक घोषणा ही बाकी है। जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने के खुले संकेत दे दिए हैं, जिसके बाद इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़नी तय है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने अभी कुछ साफ नहीं किया। जब उनसे एनडीए में जाने से पहले सीटों की बात पर सवाल किया गया तो वो बड़ी सफाई से इस सवाल के करीब से गुजर गए। सीटों की कोई बात ना मैं आपके साथ करूंगा, ना मैं किसी प्रधानमंत्री या सरकार में शामिल लोगों के साथ बैठकर करूंगा, बीजेपी के किसी व्यक्ति के साथ नहीं करूंगा। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी और आरएलडी में गठबंधन की शर्तें भी तय हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन के तहत राष्ट्रीय लोकदल दो सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बागपत और बिजनौर सीट आरएलडी को दी जा सकती हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि आरएलडी को एक राज्यसभा सीट भी मिलेगी। आरएलडी और बीजेपी के बीच गठबंधन का ऐलान 2 से 3 दिन में हो सकता है। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है आरएलडी के खेमे से। ये बड़ी खबर, आरएलडी के विधायक अयोध्या जाएंगे। 11 फरवरी को अयोध्या जाएंगे आरएलडी विधायक, रामलला के दर्शन करेंगे ये आरएलडी विधायक। तो बड़ी खबर आ रही है इस समय। उधर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा हुई और अब आरएलडी के जो विधायक हैं वो अयोध्या जाएंगे। 11 फरवरी को अयोध्या जाएंगे आरएलडी विधायक, रामलला के दर्शन कर। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर रोज लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के 20 दिन बाद राम मंदिर में कई बदलाव भी हुए हैं, जिसके तहत रामलला को लगाए जाने वाले 56 भोग में आदिवासी भोजन को भी शामिल करने की तैयारी है। रामलला को अब जंगलों में पाए जाने वाले कंद मूल और फल का भी भोग लगाया जाएगा। साथ ही रामलला के पुजारियों के लिए नया ड्रेस कोड भी लागू होगा और अब वो पीली चौबंदी, सफेद धोती और केसरिया पटका पहनेंगे। रामलला की पूजा अर्चना और श्रृंगार में उत्तर और दक्षिण भारत की परंपराओं को भी जगह दी जाएगी। रामलला के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। राम भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार हर हफ्ते एक स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बना रही है। खास बात यह है कि इस ट्रेन में राम भक्तों को ना तो किराया देना होगा और ना ही खाने का कोई खर्च लगेगा। राम भक्तों की यात्रा और खानपान का पूरा खर्च छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। इस ट्रेन से यात्रा करने वाले बुजुर्ग अपने साथ एक अटेंडेंट भी ले जा सकेंगे। फिलहाल अयोध्या स्पेशल ट्रेन चलवाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार रेल मंत्रालय से बात कर रही है, तो वहीं राजस्थान की राजसी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को भी अयोध्या तक चलाने की तैयारी चल रही है। रेलवे का कहना है कि मई जून की गर्मी में जब राजस्थान में ऑफ सीजन रहता है तब पैलेस ऑन व्हील्स को अयोध्या तक चलाया जाएगा। रेलवे का यह भी कहना है कि किराया तय होने के बाद इस राजसी ट्रेन को अयोध्या की सैर की टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी।